अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। और कैसे आप लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अभी मेरी वर्कआउट तो बंद है, जैसे आपको मैं बताया था ये मेरी शोल्डर इंजरी जो हो गई थी इसलिए मेरे को एक दो महीने का रेस्ट बोला है। जिम नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं कंटेंट ही नहीं बच रहा है कि कोई जिम का मैं कंटेंट डालूँ कि कोई वर्कआउट की व्लॉग बनाऊँ, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो मेरे दोस्त लोग हैं जिम में, वो बोलते हैं कि हमारा बजट नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे वे प्रोटीन लेने जाएंगे तो 4,000-3,000 के नीचे तो कोई डब्बा मिलता नहीं है। तो अब ये लोग बोलते हैं हम लोग क्या करें, तो बोले सिराज भाई हमको सजेस्ट करो। तो आज ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो अपना होममेड प्रोटीन बना सकते हैं और कम बजट में। और ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रोटीन से रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ें जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसी का मैं आपको प्रोटीन बना के बताऊंगा। तो क्या क्या इसमें लगता है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज आपको बता रहे हैं पहली चीज़ आपको जो लेना है सेम, दूसरी चीज़ है चना और तीसरी चीज जो है वो है सोयाबीन। ये तीन आइटम इजली आपको बाजार में मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होता इसको ढूंढने की और ये बहुत ही सस्ता है। जैसे कि सेंग अपने लेंगे तो ये आया मुझे हाफ के जी 168 रुपीज, चना मैंने लिया हूँ 83 रुपीज हाफ के जी है और सोयाबीन मुझे मिली है ये मैंने लिया हूँ पाव किलो 250 ग्राम, तो ये मुझे पड़ा है लगभग 54 रुपीज। मैंने सेंग निकाल लिया, ये मैं जो बना रहा हूँ ये हाफ के जी है, हाफ के जी सेंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो छिलके है ना ये निकाल देंगे, सेम चना चने को भी हम एक बाउल में निकाल देंगे। क्वांटिटी सेम लेना है, आधा किलो चना है और आधा किलो सेंग है। और जैसे कि सोयाबीन बता रहा हूँ तो सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है तो इसलिए मैंने इसको 250 ग्राम दिया, ज़्यादा नहीं दिया। अब इसके जो छिलके हम निकाल लेंगे चने और सेंग दोनों के, निकालो छिलके। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने सेंग को छील दिया, चने को भी छील दिया, बहुत मेहनत लगी, ये देखो पूरा पसारा हो गया घर के अंदर। इसलिए ये ना आपको बिना छिलके भी मिल सकते हैं तो वो बिना छिलके वाले आप यूज़ करिए, क्योंकि मैंने ये गलती से ये ले लिया छिलके वाले तो इसलिए मेरे को मेहनत ज़्यादा लग गई इसमें। तो आप लोग प्लीज़ बिना छिलके वाले सेंग और चने यूज़ करिए। अब ये सेंग है इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये थोड़ा रोस्ट हो जाएंगे तो पीसने में आसानी हो जाएगी। बस ये हल्के रोस्ट हो गए, अभी से हम निकाल लेंगे। अब चने को भी हम इसी तरह थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये हल्का रोस्ट हो गया है, अभी से हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम सोयाबीन पहले पीस लेंगे। देखिए इस तरह ये सोयाबीन मैंने पीस लिया हूँ, इससे मेरे को लग रहा है एक और बार घुमा देते हैं ताकि अच्छी तरह से बारीक हो जाए। ये सोयाबीन को मैंने बारीक पीस लिया, चने को भी पीस लेंगे अभी। डाल दी हमने इसमें, अब इसे भी पीस लेते। देखिए कितना बारीक ये चना पीसे गया है, इतना बारीक होना चाहिए। अच्छा बारीक पीस के इसे एक बाउल में खाली कर लो। सेंग भी डाल दिए अभी,
इसको भी ऐसे पीस लेंगे। देखो गाइस ये सेम भी मैंने पीस लिया, अच्छी बारीक हो गई है ये, इसी तरह आपको भी पीसना है। ये देखिए गाइस ये सेंग में ना थोड़ा चिपचिपापन रहता है, क्योंकि ये जो सेंग होती है इसमें थोड़ा ऑयल होता है, ऑयल इस वजह से चिपचिपा होता है थोड़ा। ये जो पीसी हुई सोयाबीन है इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ऐसे भी। इसको आप थोड़ा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा लाल हो जाए, तब तक इसे आप भूनते रहे और चम्मच हिलाते रहे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। देखिए ये अब थोड़ा रेडिश में हो गया है, हमको इतना ही भुनना है। इसकी स्मेल भी बहुत मस्त आ रही है, रेडिश हो गया ये, बस इसे अभी थोड़ी देर में हम उतार लेंगे। देखिए अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिए। अब ये सोयाबीन को अब चने में हम मिला देंगे। सेंग पीसी हुई सेंग है इसे भी साथ में डाल देंगे। चम्मच से थोड़ा सबको एक साथ मिला देंगे। अब ये गाइस हमको पता है ये इतने आसानी से मिलेगा तो नहीं तीनों चीज, तो हमें क्या करना है इसे थोड़ा थोड़ा लेके एक बार फिर मिक्सर में एक बार थोड़े से पीस लेना है एक साथ, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा लेके इसे एक साथ पीस लेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है तीनों एक साथ। तो देखिएगा दोस्तों ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, सेंग चना और सोयाबीन तीनों बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम एक बोतल में या एक डब्बे में इसे निकाल लेंगे। तो अभी हमारा प्रोटीन पाउडर बनके तैयार है। अब इसे आप एक चम्मच या दो चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। और एक बात, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने उनके लिए बनाया है जिनका बजट इतना नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा, तो ये इनके लिए बेस्ट प्रोटीन है जो आप यूज़ करते हैं आफ्टर वर्कआउट। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा वीडियो जो हमने आपके लिए होममेड प्रोटीन बनाया है। अगर आपको लेना है गाइस तो इससे आप जो वेट गेन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक है कि इसे आप दो केले इसमें ऐड कर सकते हैं, खजूर ऐड कर सकते हैं। अगर ये सब ऐड करेंगे तो आपको वेट गेनिंग में बहुत अच्छा फायदा होगा। और जिसको वेट गेन नहीं करना मतलब नॉर्मल है तो वो डायरेक्ट सिर्फ दो चम्मच ले दूध में ले सकते हैं वर्कआउट के बाद। और ऐसा नहीं है गाइस कि ये मैं आप लोगों के लिए ही बनाया हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत लोग बोलेंगे कि इससे क्या होगा, लेकिन आपको पता नहीं है ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है, जो मतलब जिसके पास इतना बजट नहीं है जो वो ये प्रोटीन खरीद सके। और गाइस ऐसा नहीं है कि ये आपको मैंने ऐसे ही वीडियो बना के बता दिया, ये मैंने खुद अपने इस पर यूज़ किया हूँ, मैं खुद यूज़ किया हूँ ये। जब मेरे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैंने भी जब स्टार्ट किया था जब मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अभी प्रोटीन, तो मैंने यही सब यूज़ किया हूँ घर के अंदर, और इससे वाकई में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया है। गाइज एक बार जो मैंने ये बताया आपको, आप यूज़ करिए, आप खुद यूज़ करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और इसका कि आपको कितना बेनिफिट्स मिला है। तो चलिए गाइज इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। और इतनी मेहनत किया हूं तो लाइक तो बनता है बॉस। तो ठीक है,
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।